Hello friends, welcome back once again to my channel Merchant Navy Knowledge. Friends, today we are going to discuss all about the shipping unions, seafarer unions. What are the role model of unions inside shipping industry? तो दोस्तों आज जो है टॉपिक हमारा वो है सीमेंस यूनियन क्या है, इनका क्या भूमिका रहता है, क्या मतलब इन लोग का रोल प्ले रहता है शिपिंग इंडस्ट्री में। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बहुत फैक्ट्री में, बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्री में, ठीक है, वर्कर्स यूनियंस, लेबर यूनियंस, ऐसे सब यूनियंस हैं। तो वैसे ही शिपिंग इंडस्ट्री में यानी कि मर्चेंट नेवी में हम लोग का सीमेन यूनियंस भी है, ठीक है। तो ये यूनियंस मतलब क्या क्या यूनियंस है, ये यूनियन बनते कैसे हैं, इसे ऑपरेट कौन करते हैं, ये चलता कैसे है, अगर यूनियंस नहीं रहेगा तो क्या नुकसान होगा, यूनियंस क्या हमारे लिए फ़ायदा कर रहा है, हमको यूनियन मेंबरशिप लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए दोस्तों इस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला बात तो ये है कि यूनियन का फ़ायदा क्या है। देखिए कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी मतलब फैक्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें जैसे कई तरह के लेबर यूनियंस, वर्कर यूनियंस ये सब जो रहते हैं, तो इसमें फ़ायदा यही रहता है कि कल को जैसे उस पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट या फिर मतलब बहुत सारे अदर इफ़ेक्ट्स अगर आते हैं, जैसे वो रिलेटेड टू सैलरी हो, रिलेटेड टू आपका वर्किंग एनवायरनमेंट हो, रिलेटेड टू ऑल द फैसिलिटीज़ हो, ठीक है, तो ये सब जो है आपका राइट्स है, ठीक है, आपका अधिकार है, क्योंकि आप उस कंपनी के लिए, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कर रहे हो, तो उसके बदौलत रिटर्न में वो आपको ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे प्लेसेस में ये देखा गया है, ये पाया गया है कि शोषण होता है जो, ठीक है, तो मतलब लेबर का शोषण होता है, मतलब उनको सटीक सुविधाएं उपलब्ध नहीं किया जाता है और उनका वर्किंग आवर्स के हिसाब से उनको उतना पगार नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ है वो कंपनी उनको नहीं देता है, ठीक है। तो ये सब दुनिया भर का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये आपका जो है राइट्स है, ठीक है, तो ये राइट्स, ये हक जो है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो, वो आपको देने के लिए बाउंड है, ठीक है। तो अगर ये सब वो लोग अगर छीन लेते हैं आपसे, तो फिर आप क्या करोगे, आप अकेले तो आवाज़ नहीं उठा पाएगे ना, तो इसके लिए यूनियन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी भी कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे चीज़ है जिसके लिए यूनियन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिटी ही ताकत है, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों का शोषण हो जाएगा या फिर आप अकेले किसके साथ, किस किस के साथ लड़ाई करोगे, क्या क्या आप कर पाओगे, कहाँ कहाँ दौड़ोगे, कहाँ कहाँ भागोगे, आपका मुद्दा कैसे आप सरकार के पास लेके दिखा पाओगे या फिर दुनिया को कैसे बता पाओगे। तो ये सब चीज़ों के लिए हर जगह यूनियन ज़रूरी है। तो वैसे ही ये जो मर्चेंट नेवी है, ये जो शिपिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, इसमें हम लोग का सीमैन का यूनियन रहता है, ठीक है। और ये यूनियन एक मतलब हमारे देश के अंदर नहीं, एक लोकल ये नहीं, ये इंटरनेशनली भी सीमेंस यूनियन है, ठीक है, हर एक, क्योंकि आप लोग को जैसे पता है सीमैन मतलब सीमैन का लाइफ जो है, मतलब मर्चेंट नेवी फील्ड में बहुत सारे कई मुल्कों के सीमैन आता है, कई देश के, ठीक है, वैसे ही हर देश का, जैसे इंडियन सीमैन्स का इंडियन सीफरर यूनियन से, जैसे ब्रिटिश उनका भी अलग सीमैन यूनियन से, चाइनीज सीमैन यूनियन से, यूरोपियन सीमैन यूनियन से, ठीक है, रशियन सीमैन यूनियन से, बहुत सारे जहाँ जहाँ से, फिलिपिन सीमैन यूनियन से, जिधर जिधर से सीमैन मर्चेंट नेवी में जुड़े हुए हैं, एंगेज्ड हुए हैं, तो उधर भी सीमैन लोगों का यूनियन है। तो वैसे ही ये सब सभी यूनियन के ऊपर एक जो मतलब वर्ल्ड वाइड में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ITF, ठीक है, ITF मतलब जिसको कहा जाता है कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स ट्रेड फेडरेशन, ठीक है, तो वो है।
तो इसका ऑफिस जो हेड ऑफिस है वो इंग्लैंड में है, ठीक है, यूके में। तो जो भी हो, तो इधर से जो है उन लोगों का आईटीएफ का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सब वो लोग बनाते हैं, ठीक है, और उसी हिसाब से ईच एंड एवरी शिपिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वो उस रूल रेगुलेशन के तहत वो लोग अपना जहाज चलाएंगे या फिर क्रू को वो सब फैसिलिटीज़ देंगे, ठीक है। तो हमारे इंडिया में भी वैसे ही देखा जाए तो बहुत सारे, फ़िलहाल तो बहुत सारे छोटे मोटे बड़े बहुत सारे यूनियंस हैं, ठीक है, यूनियन बनाने के लिए क्या मतलब आप 10-15 सीमैन को लेके यूनियन खड़ा कर दो, कल को आपको 150 जुड़ जाएंगे, 1500 जुड़ जाएंगे, तो ऐसा होता है। यूनियन बनाने के लिए क्या चाहिए, आए रोज बहुत सारे यूनियन बनते भी हैं, बहुत सारे टूटते भी हैं, ठीक है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। आप अगर कोई यूनियन ज्वाइन करना है तो आपको ओनली ITF सर्टिफाइड यूनियन ज्वाइन करना है। जैसे हमारे हमारे इंडियन मार्केट में भी, इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारे यूनियंस है, जैसे नूसी है, फूसी है, मतलब नेशनल यूनियन ऑफ शिपिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉरवर्ड यूनियन है, और कामगार नाविक सेना यूनियन है, भारतीय नाविक सेना, ऐसे बहुत सारे नुसी फुसी कंसु बंसु बहुत सारे यूनियंस है, ठीक है। लेकिन आपको जो है ओनली ITF सर्टिफाइड यूनियन को ही ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि ITF सर्टिफाइड यूनियन को ही आप ज्वाइन करोगे तब जाके आप मतलब आप लोगों का मतलब उस यूनियन से ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा, क्योंकि ITF सर्टिफाइड है मतलब वर्ल्ड वाइड में हर देश में जाना जाता होगा वो यूनियन, या फिर इंटरनेशनली वो सर्टिफाइड है, ठीक है, और कल को जैसे भारत सरकार के सामने कुछ मुद्दा रखना है सीमैन का, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कहीं पे कुछ सीमैन के ऊपर कोई देश में जैसे सीमैन ट्रैप हो गए हैं, कहीं पे फंस गए हैं, तो फिर ये ITF सर्टिफाइड यूनियन ही जाके उस मुद्दे को कहीं पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप दुनिया के सामने आपको लाया जा सकता है। नहीं तो फिर ऐसे लोकल यूनियन में कुछ फ़ायदा है नहीं, बहुत सारे पॉलिटिकल यूनियंस भी है उससे सब जुड़ के कुछ फ़ायदा नहीं। सीमैन हो तो आपको ओनली ITF सर्टिफाइड यूनियन ही ज्वाइन करना है, ठीक है। वैसे हमारे इंडिया में सबसे बड़ा यूनियन ITF सर्टिफाइड यूनियन जो है नूसी अभी है, और नूसी का जो हेड ऑफिस मुंबई में है, बाकी उसका ब्रांच ऑफिस भी कई कई जगह है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही कल को आप कहीं से ट्रेनिंग करने के बाद जैसे ही मर्चेंट नेवी फील्ड में आते हो, ठीक है, तो आने के बाद फिर आप कोई यूनियन का मेंबरशिप ले लो, ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको यूनियन के थ्रू जाना ही है, ठीक है। क्योंकि देखिए यूनियन मेंबरशिप लेने से आपका फ़ायदा क्या रहता है, देखिए बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको अपडेट नॉलेज मिलता रहता है, ठीक है, और दूसरा चीज़ है यूनियन का भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जो आपके ऊपर आपके परिवार के ऊपर लागू होता है, ठीक है। जैसे नुसी का ही बहुत सारे फैसिलिटीज़ ले लीजिए, जैसे मान लो कि कल आप नहीं रहे, कुछ मतलब आप डेथ हो सकता है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी डेंजरस जॉब में जा रहे हो, शिपिंग लाइन कोई मतलब ऐसे नॉर्मल फील्ड नहीं है, ठीक है, कल को आपको डेथ हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको परिवार को, ठीक है, कुछ तो मतलब कंपनसेशन चाहिए या फिर बहुत सारे मतलब आर्थिक सहायता तो होना चाहिए ना। फिर नुसी का भी उसके लिए बहुत सारे स्कीम्स है, ठीक है, नुसी को ITF से भी बहुत सारे उसके लिए भी डोनेशन आते रहते थे, और इंडिया गवर्नमेंट के साथ नुसी का बहुत सारे मुद्दे के लोग को सीमैन का बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स को लोग लेके बातचीत होता रहता है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ, ठीक है। और दूसरा चीज़ है जैसे कल को जैसे आप लोगों का जैसे बच्चे हैं मतलब आप लोग सीमैन्स का जो किड्स है उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं, और जो जो सीमैन्स चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए ऑफिसर बनने के लिए, फाइनेंशियली जो लोग बैकवर्ड है उनको भी हेल्प होता है, ठीक है। और ऐसे भी कई सारे सीमैन्स हैं जिन लोगों का कोई है नहीं, मतलब बूढ़े हो गए हैं
ठीक है, और ओल्ड एज में नुसी का ओल्ड एज होम है, ठीक है, और नुसी का भी जगह जगह मतलब कैंपेन्स होता है, सीमैन सीफरर का हेल्थ अवेयरनेस होता है, ठीक है, और सीफरर लोगों के लिए जैसे सीमैन हॉस्टल वगैरह सब उधर जाके भी नुसी कई तरह के फैसिलिटीज़ उधर प्रोवाइड करते हैं, जैसे नुसी फूड कार्ड, ठीक है, नुसी हेल्थ, ठीक, और नुसी योगा, ठीक है, बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ फैसिलिटीज़ जो है वो सब प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी ऐसे देखा जाए तो मतलब जैसे कहीं कल को आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो गया, कुछ सर्टिफिकेट आप लोगों का मतलब कंपनी के पास है, या फिर कोई कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रहा है, या आपको कोई कंपनी मिसबिहेव कर रहा है, आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपका बहुत टाइम हो गया साइन अप नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर आप कहीं ट्रैप हो गए हैं, कहीं फंस गए हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों में आप यूनियन का मदद ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे अभी लास्ट टाइम हुआ था ना वो स्वेज कैनल में एवरग्रीन का बड़ा शिप जो ट्रैप हुआ था, ठीक है, तो उधर भी नुसी के रिप्रेजेंटेटिव भी उधर जाके बात किए थे, फिर उन लोगों को सही सलामत घर वापस भेजा गया था, क्योंकि इंटरनेशनल वाटरवे में ऐसे कुछ मतलब बहुत बड़े बड़े जब हादसे होते हैं तो सीमैन के ऊपर भी केसेस भी लगने का खतरा रहता है, ठीक है, इससे फिर उन लोगों का पूरा कैरियर जो है बर्बाद होने का रहता है, उनका CDC जब्त कर लिया जाता है, तो ये सब केसेस में यूनियंस बहुत मतलब अहम भूमिका वाइटल रोल प्ले करता है और आपके साथ खड़ा होता है, फिर वो लड़ता है, ठीक है, और भी कई सारे चीज़ें हैं, कई सारे मुद्दे हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे कंपनियां क्या करते हैं मतलब एजेंट के चक्कर में बहुत सारे लड़के लोग जाके गल्फ वल्फ एरिया में या फिर और कहीं बहुत जगह फंस जाते हैं, यहाँ कुछ कह के जाता है, उधर जहाज़ पे जाने के बाद उनको उसी हिसाब से फैसिलिटीज वही पैसा नहीं मिलता है, वही सैलरी नहीं मिलता है, तो ये सब प्रॉब्लम को जो है बिना यूनियन आप समाधान नहीं कर सकते, इसीलिए यूनियन एक वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ग्रेच्युटी, आपका पेंशन, आपका PF वगैरह ये सब कैसे बढ़ेगा, या फिर इसमें इंटरेस्ट रेट, इसके लिए भी सब नुसी मतलब लड़ाई करता रहता है, ठीक है। तो जो भी हो ये जो यूनियंस है, ठीक है, ये सब मतलब सीमैन के लिए मतलब बैक साइड में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, तो इसीलिए जो भी मतलब यंग जनरेशन जो आते हैं अभी नया नया ज्वाइन करने के लिए, तो आप प्लीज़ कोई ना कोई यूनियन का मेंबरशिप ले लीजिए, ठीक है, और ऐसे मतलब पॉलिटिकल यूनियन मेंबरशिप, छोटा छोटा यूनियन का मेंबरशिप ये सब मत लीजिए, ओनली ITF सर्टिफाइड यूनियन का मेंबरशिप लीजिए, ताकि आगे जाके आपको बहुत ही आप फ़ायदे में रहे, आपको फ़ायदेमंद हो ये चीज़, ठीक है। और फिर दूसरा चीज़ है, आप जैसे आजकल धीरे धीरे लगभग मोस्ट प्रोबेबली जितना भी सब कंपनी है ऑलमोस्ट सभी कंपनी नुसी के साथ टाई अप हो चुके हैं, आप कोई भी कंपनी में जाओगे ज्वाइन करने के लिए तो पहले वो बोलेगा ज्वाइन प्रायर टू ज्वाइन वो बोलेगा आप यूनियन का मेंबरशिप क्लियर करके आइए, यूनियन का फीस भर के आइए, यूनियन का मेंबरशिप लेके आइए, तब जाके आपका ज्वाइन होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब जो कंपनीज ये कम्स अंडर द सीमैन यूनियंस, ठीक है। तो अभी इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली नुसी बहुत ही पॉपुलर और नुसी के अंडर में ये बहुत बड़ा यूनियन है, इसमें बहुत सारे सीमैन्स मेंबरशिप है और ITF सर्टिफाइड भी है, तो सबसे बड़ा यूनियन अभी यही माना जाता है, क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास हमारा सीमैन लोगों का मुद्दा लेके हाजिर होता है, ठीक है, तो बहुत कुछ कर रहा है सीमैन के लिए, ठीक है। तो आप लोग जैसे यंग जनरेशन जो फर्स्ट टाइम आते हैं तो आप लोग यूनियन का मेंबरशिप लीजिए, ठीक है, और यूनियन का मेंबरशिप लेने से आपको बहुत सारे से फ़ायदे भी है, कोई नुकसान है नहीं इसमें। इवन बहुत सारे सीमैन बोलते हैं अरे यार यूनियन का मेंबरशिप लेके क्या होगा, फालतू में हम लोग खाली यूनियन का फीस भरते रहेंगे, कुछ फ़ायदा है नहीं भाई, बहुत सारे फ़ायदे हैं और आप कायदे से वो ले पाओगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है, और ऐसा नहीं आप तो इतना पैसा एक एक वॉयज में इतना इतना पैसा कमाते हो तो 1500 रुपया देने में क्या हर्ज है, ठीक है, क्योंकि कल को वो पैसा फिर भी
आप ही के बच्चों को स्कॉलरशिप पे तौर पे दिया जाएगा, या फिर कल को आपको अगर कुछ हो जाएगा तो फिर आपके फैमिली को भी मिलेगा, या फिर जैसे कल को आप लोग अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेते हो, ठीक है, अगर आप 5 साल के बाद वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेते हो, ठीक है, तो फिर नुसी भी आपको तो यूनियन के तरफ से वो भी आप लोगों को जो भी आपका जो कंपनसेशन मिलेगा, मतलब आपका कंपनी से या फिर शिपिंग ऑफिस से या पीएफ ऑफिस से, उसके अलावा ये भी उसमें 2.5 लाख 3 लाख आड़ करके भी देते हैं, तो पैसा तो आपको रिटर्न ही होता है ना। तो इसीलिए खास तौर से जो यंग जनरेशन से उनको जो यूनियन का क्या रोल प्ले रहता है शिपिंग इंडस्ट्री में, जिनको पता है नहीं, तो उनको बताना चाहूँगा। जैसे ही आप शिपिंग इंडस्ट्री में एंट्री करते हो तो साथ ही साथ आप कोई यूनियन का मेंबरशिप ले लीजिए, इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी वाला होगा, बहुत नॉलेजबल हुआ रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो, ठीक है, ओके, गुड बाय।